अच्छा वो वाला एक्सपीरियंस बता, जब तुम्हारा ट्रक रुका हुआ था, चैन डाल रहा था और पीछे पालू आ गया जब। अभी देखो मेरा गियर गुम हो गया ना, मोबाइल की डिस्प्ले का काम कर लिया भाई। और यहाँ से शुरू होता है भाई हाईवे ऑफ टीयर्स। जितने भी मर्डर हुए सारी लड़कियां थी। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल। चढ़दी कला ही होनी चाहिए। जो अभी आपने क्लिप देखा ना, मक्खन परौंठे और साथ में चार, बाद में भाई लस्सी भी थी, वो मैंने स्किप कर दी। चार परौंठे खा के आए भाई। अभी दिल कर रहा है गाड़ी साइड पे लगाए सो जाए, लेकिन क्या करें भाई, काम पे तो जाना पड़ेगा ना। ये सब इसका कसूर होता है, जब भी इसके पास में आता हूँ ना भाई, परौंठे पेलने पड़ते हैं। स्वाद बहुत है, इसलिए मैंने चार खाए। एक दो घंटे चलाएंगे फिर सो जाएंगे। जो अपना लोड है ना, वो मंडे मॉर्निंग को उतरना है और यहाँ से 1100 किलोमीटर आगे जाना है बीसी में अंदर। मजे करते जाएंगे भाई। जासपुर आना राज के ना, बहुत टाइम के बाद में एक्चुअली कैमरे के साथ में पहली बार ही हो गया, कैमरे के साथ में इस रोड के ऊपर 16 हाईवे के ऊपर सफर करेंगे और ट्रक अपने पास स्कूटर बेल्ट है। राज आग होगी ठीक है, इधर फॉक्स नहीं जा रहा। हेलो भाई, डब्बा भी मिल गया, लड़का हुआ है भाई के पास में, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो भाई अपने को डब्बा मिला है, पहला डब्बा ही है, पहला डब्बा तेरे ही रही गल्ला, पहला डब्बा भाई। देखो ये होता है, स्पेशल है ना, इंपॉर्टेंट बंदे। स्पेशल मेनी पैक से आए, मेरी तो लास्ट मिलना सी, पहला आ गया था, पहला मिल गया। हाँ, अगर एक बार शुरू हो जाता फिर मेरा नंबर लास्ट में मिलना था। सही बात है, कल वाली वीडियो में आपने एक ट्रक देखा था ना, पहचानो आज कि वही ट्रक है ये। पहले लाइटे दिखाते हैं, लाइटे। $700 दे के आया अभी उनको, ऑयल चेंज करा दिया इसका, डीजल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर और पूरी वॉशिंग। ट्रेलर भी देखो पूरा साफ कर दिया उन्होंने। ट्रक है अपना के नहीं है? नहीं नहीं है, ये ट्रक खड़ा है और ये अपनी बी ट्रेन खड़ी है, लेकिन बी ट्रेन यहाँ से निकलेगी बड़ी मुश्किल। अभी देखते हैं क्या बनता है बॉस। ये ट्रक देखो, ये भी अपने जो गुजेंद्र अपना दोस्त है ना, उसके दोस्त का है। खंडा देखो आगे, ये अपना दोस्त है ना हितेश, उसके ट्रक की जो हेडलाइट होती है उसकी असेंबली लेके आए हम यहाँ से। अल्बर्टा से काफी सस्ती पड़ रही थी इसलिए मैं अंदर रख रहा हूँ। टू लार्ज आइस कैप विद व्हिप टॉप। बड़े पंगे करने पड़ते हैं भाई वीडियो बनाने के लिए। है ओके, ध्यान ना जाई जगह, ओके मिल रहा करने। हां कार ते आना चलाई यार, तू ट्रक बीट रेन दे आना चलाई। ये फायदा होता है, अपने घर जैसा माहौल बना हुआ था। अभी ऊपर वाले का नाम लेते हैं, थोड़ी देर तक निकलते हैं यहां से। बाबा जी बड़ा करना, थोड़े से किलोमीटर आज निकाल लेते हैं, इसलिए मैंने आज इन्वेंटर को छोड़ना जरूरी समझा। अगर हम वीडियो नहीं बनाते तो लीगली हमारी जो ड्राइव होती है वो भाई 12-13 घंटे की है। नई चीजें सीखने को मिली अपने भाई से, क्योंकि वो पक्का पीटर पैन का खिलाड़ी है, आपको तो मालूम है। अभी देखना, अभी मेरे गियर भी थोड़े स्मूथ हो गए, उसने मेरे को गुर बताया कि अपना आरपीएम मत गिरने दिया कर, जब भी गियर डालने होते थोड़ा आरपीएम हाई रख। मैंने बोला ठीक है उस्ताद जी, मैं जो लो गियर होते ना, लो वाले चार होते, उसमें मैं ये हाफ गियर यूज नहीं करता। लेकिन मेरे को उसने बोला अगर 18 स्पीड है तो लो गियर में भी हाफ गियर यूज किया कर, तेरे गियरों की ग्राइंडिंग कम होगी। आ गया। चाचा
चाहे हमने 5 परौंठे खाए, भूख हमारी फिर भी नहीं जाती भाई। पॉपकॉर्न चिकन ये सब चाचा की डिशे हैं, हमारी कहाँ है भाई। मैं ना बैठा बैठा अभी सोच रहा था, ये काम आसान नहीं होते जो हम शो लेते हैं। देखने में आपको वीडियो बहुत अच्छी लगती होगी कि भाई पीटर बेल्ट लेके घूम रहे हैं, लेकिन ये 16 हाईवे खतरों से खाली नहीं है। मेरे को मालूम नहीं मेरे साथ होना क्या है आगे, लेकिन फिर भी निकले हुए हैं। चाचा बता, 16 हाईवे पे क्या बीती है सारा दिन? ये पक्का 16 हाईवे पे चलता है? जानवर तो बहुत मिलते हैं, पर भालू मिलूगा? भालू मिलूगा? भालू बहुत। मेरे को तो लगता है किसी दिन वीडियो का चस्का मेरी जान लेगा भाई। अच्छा बड़ा काम है मेरा वहाँ पे, बाइक हुक करो, 200 किलोमीटर जाओ 200 आ जाओ, लेकिन उसमें अपने को वो वाला मज़ा नहीं आता। उसको मज़ा बढ़ाने के लिए हम ये वाले काम कर रहे हैं। कैमरे के साथ में मैं पहली बार 16 हाईवे के ऊपर आया हूँ, अभी 4 साल के बाद में। चलो पहले खा लेते हैं, बंदे बड़े इकट्ठे हो गए देखो मेरे पीछे, जहाँ हम जाते हैं भीड़ हो जाती है। अच्छा वो वाला एक्सपीरियंस बता, जब तुम्हारा ट्रक रुका हुआ था, चैन डाल रहा था और पीछे भालू आ गया, जब नहीं आगे वाले बंदे को भालू गिर के बैठे हुए थे, आगे वाले को तू पीछे खड़ा था उसके ना? नहीं मैं चढ़ता ही चढ़ा ही। अच्छा वो मेरी लाइट देख के भज गया, उन्हें टामी मारी, भज के अंदर पड़ गया। बंदा चैन डाल रहा था हाईवे चढ़ाई के ऊपर सर्दियों में, प्रिंस जॉर्ज चाचा डरा रहा है भाई। नहीं तो कुछ भी नहीं, नहीं अभी तो कुछ नहीं है, वो गोरा चेन डाल रहा था भाई, उसको भालू ने घेर लिया, बाकी अंदर गया ना फिर वो लेकिन क्या करें भाई, लाखों लोगों के घर भी इसी से चलते हैं, हमारा भी इसी से चलता है। चल ठीक है चाचा, ओके जिंदगी रही फिर मिलेंगे। चल ठीक है, चाचा खुद तो निकल गए भाई, मेरी बी ट्रेन तो भाई निकलवा दे यहाँ से। चाचा को 3-4 साल हो गए इसी रोड के ऊपर चलता है, 16 हाईवे के ऊपर। 16 हाईवे के हर रोज बड़े किस्से होते हैं, ये सुनाता रहता है फोन के ऊपर। मैंने इसलिए बोला था, मैं बोला किसी ने ये ट्रक ही हमारी जान लेगा, जो वीडियो बनाने का चस्के है ना, इतना भी काम आसान नहीं जितना हम सोच लेते हैं। चल ठीक है चाचा, किसी की कंपनी में घुसा दिया मैंने। यूटर नहीं मार लेते क्योंकि सामने वो आपको ट्रक दिखाई दे रहा है, अगर मैंने उसके पास में से निकाला तो भाई उसका ट्रक बहुत आगे लगा हुआ है। ये स्पेशल आपको दिखा रहा हूँ कि ये साइड में देखो, पूरा आग से जले हुए दरख्त है, पूरा आग से जला हुआ इलाका है। ये वही एरिया भाई जो रोड बंद था हाईवे 16 के ऊपर, यहाँ से भी हाईवे बंद कर दिया था इन्होंने, लेकिन अभी तो चलो ऊपर वाले की कृपा है कि बारिश पूरी हुई है। बड़ा बुरा हाल है, अभी भी देखो धुआं निकल रहा है, धुआं निकल गया। जहाँ पे अपना इलाका खत्म हो जाता ना भाई, आराम से गूगल मैप लगा लिया है हमने, कोई चलाकी नहीं। ये वाले रास्ते के ऊपर मैं पहले 2 बार गया हूँ, लेकिन अभी 5 साल हो गए मेरे ख्याल में, 5 साल के बाद मैं इस हाईवे के ऊपर जा रहा हूँ। हाईएस्ट पॉइंट ऑन येलो हेड। हालांकि चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता, आजकल पुष्टि की बात बहुत लिख देते हैं साथ में, मेरे को मालूम नहीं, लेकिन ऐसा बोर्ड लगा हुआ है और ये बहुत बड़ा रेस्ट एरिया है। मेरे लिए ये रोड आज नया है कैमरे के साथ में, मेरे को मालूम नहीं रुकने के लिए जगह कहाँ है कहाँ नहीं है, लेकिन बस चलते जा रहे हैं। ये सारा जंगल है, यहाँ से रात को कुछ भी निकल के आ सकता है। और ये देखो बातों ही बातों में भाई क्या नज़र आ गया, काचू काचू। कोई बोलता है चक्कू है, कोई बोलता है काचू है, कोई बोलता है नाइफ है, कोई बोलता है शुरी, कोई बोलता है कर्द, लेकिन इन सारे बातों का मतलब एक ही कि ये काट देती है जिसके भी काम आएगी। गियरों का स्वाद ना, अभी आगे पहाड़ी एरिया आएगा, मैनुअल गियर लेके मैं कभी आया नहीं पहले, देखा जाएगा जो होगा। ये वाली थोड़ी सी लूज है, लेकिन इतनी लूज नहीं है कि हम इसको, थोड़ा सा इसमें प्ले है लेकिन इतना लूज नहीं है कि यहां से निकाल के इसमें आ जाएगी खोल के, क्योंकि ये स्नाइप बाइंडर है, इसको टायर नहीं किया जा सकता। अगर खोलेंगे थोड़ी और लूज होनी चाहिए, उसके बाद ये इस वाली चेन की इस कुंडी में आएगी, ठीक है ना। बाकी सब चेने बिल्कुल टैट बर टैट, जो पक्के लॉन्ग हाईवे के ऊपर चलते हैं ना, उनके पास में पक्का कोई ना कोई ऐसा वेपन होता है अगर पहाड़ों में चलना है। और मेरे को सख्त हदायतें दी गई कि जब आप छोड़ के हाईवे 16 व्हील माउंट वाला हाईवे 5 निकल जाओगे आगे, उसके बाद में ट्रैफिक बहुत कम होती है, रात को ट्रक मत चलाना। तो बस कोशिश करेंगे दिन में आज रुकेंगे, क्योंकि पहली बार का एक्सपीरियंस है तो मान लेनी चाहिए। मैं आ गया हूँ एडमिंटन से 300 किलोमीटर,
आप लोग बोलते होंगे कि ये बार बार यही शॉट दिखा रहा है गियर बदलते हुए, जो मेरा बेस्ट शॉट होता है ना मैं उसको बार बार लेता हूँ। पीटर पैन का ये अंदर वाला लुक है ना ये सबको अच्छा लगता है। अगर आपके पास में डबल ट्रेलर है, वैसे डबल ट्रेलर 53 फुट ट्रेलर आप हाईवे 16 के ऊपर ऐसे उधर से आगे लेके नहीं आ सकते, उसकी एक लिमिट होती है, वो पीछे खत्म हो गई, यहाँ के परमिट नहीं मिलते, और ये डबल ट्रेलर में कंसिडर नहीं होती। ये एक वाइड लोड आ रहा है देखो, अभी मेरे पीछे ब्लाइंड एरिया है, मैंने फ्लैशर लगा दिए और अपने ट्रैक में रखने की कोशिश करूंगा। जब डॉन आती है ना तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम डॉन के ऊपर होगी आपको गियर चेंज करने में। तो बस अभी देखो मेरा गियर गुम हो गया ना, तो गियर गुम हो जाता है, थोड़ी सी ब्रेकें मार लो, ब्रेकें मार के आरपीएम को थोड़ा सा हाई करो तो ऐसे गियर आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि धक्का करना है, धक्का करोगे तो भाई कुछ ना कुछ टूट जाएगा इसका। बस अभी यहाँ पे ये गेम होगी कि गियर निकाल लो, गियर डाल लो, गियर निकाल लो, गियर डाल लो। ट्रक अपने ऊपर इतना वजन तो है नहीं कि ज्यादा छोटा करना पड़ेगा, बस आधा गियर निकालता हूँ आधा डाल लेता हूँ, आधा निकालता हूँ आधा डाल लेता हूँ, ऐसा ही चल रहा है अभी। आपने लाइक तो कर ही दिया होगा, ड्रोन मैंने उड़ाई है, नहीं किया पहले लाइक कर दो यार, बाकी की बात बाद में करते हैं। ये जो मैंने मैप सामने लगाया होता है ना, जब मैं नए रोड के ऊपर आता हूँ खास करके पहाड़ों में, तो मेरी आदत है, क्योंकि अभी आप ध्यान से देखो, अभी मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा कि आगे टर्न आ रही है राइट साइड को, लेकिन मैप मेरे को बता रहा है कि थोड़ी दूर के बाद में राइट साइड को टर्न आएगी। तो अगर आपका लोड ऐसा है, ज़्यादा शार्प टर्न है भी आपको स्लो करना पड़ता है, तो भाई ये मेरी हेल्प कर देगा रात को खास करके। पीछे पता क्यों उठाई है, जैसे ही हम ये पार्क के पास वाला एरिया क्रॉस करके आए, ये सारा नेशनल पार्क का एरिया आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे हम ड्रोन नहीं उड़ा सकते, ड्रोन रिस्ट्रिक्टेड है प्रोविंशियल पार्क में और नेशनल पार्क में। इनका क्या गुम हो गया भाई, जन्नत है भाई जी जन्नत, देखो जाओ जाओ भाई जाओ, और पीछे देखो भाई जी इधर देखो, सबसे बढ़िया वाला एरिया है बीसी का, जैस्पर और बैंप। बैंप वाला एरिया अंदर से ज्यादा खूबसूरत है, जैस्पर वाला बाय रोड देखो सारी तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, और ये बीच में रोड चल रहा है। अभी यहाँ पे ड्रोन तो नहीं उड़ा सकते, ऐसे अपना को दिन सूखा निकल जाए ऐसा हो सकता है। मोबाइल की डिस्प्ले का काम कर लिया भाई, जहाँ भी मैंने फोटो खींचनी होती ना वहाँ पे जहाँ हवा चलती है, जब कैमरे के ऊपर इसकी सारी टांग निकाल के मोबाइल को खड़ा करते ना, बस उस टाइम के ऊपर समझ लो भी कोई ना कोई नुकसान होना ही होना होता है। लेकिन अभी चल रहा है, अगर मैंने इसके ऊपर लगा स्क्रीन गार्ड उतार दिया तो नीचे से स्क्रीन भी टूट जाएगी, अभी जाके मालूम पड़ेगा जब इसको उतारेंगे। लेके ऊपर वाले का नाम आगे चलते हैं, मैं भी सोच रहा था 2 दिन हो गए कोई नुकसान क्यों नहीं हुआ, हाजिरी लग गई है नुकसान की तरफ। बाबा जी इतना ही रखना, मोबाइल चालू है भाई, क्या करें यार, दिल करता है ऐसी जगह पे फोटो लेने का, आगे आगे की तरफ दे दे के भाई किसका दिल नहीं करेगा कैमरा निकाल के फोटो खींचने के लिए। हमारे पास हमारे साथ कौन सा कोई बंदा होता है, तो हमको तो खुद ही खींचनी पड़ती है। वो ऐसे गिरा आगे की तरफ ठक, ओए 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 ओए, देखो 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 भाई, और तो नहीं है पीछे कोई, आप तीनों ही हो ना, ये जैस्पर वाला एरिया है, यहाँ पे डियर वगैरह तो आम ही आपको रोड के ऊपर दिखाई देंगे भाई। पागल इंसान है भाई, गर्म पड़ रही है पीछे, गर्म है बहुत, गुलाई है पीछे, भाई ने देखा नहीं गाड़ी घुमा के रोड के ऊपर चढ़ा दी, और मेरा ट्रक देख के भाई फिर बाद में जल्दी जल्दी घुमा के वापस ले गया। अभी मेरे को इमरजेंसी ब्रेकें पड़ने वाली थी, बचा हो गया भाई। पहाड़ों में आ गए हैं तो पहाड़ों वाला स्वभाव अपना रखो। एक चीज मैं आपको काम की बताता हूँ, जब पहाड़ों में आ जाते ना आपको हर टाइम याद रखना पड़ता है, तो भाई आराम से हो, आराम से, आपको हर टाइम याद रखना पड़ता है कि आपका ट्रक कौन से गियर में है। हाफ गियर जो स्प्लिट होता है ना, ये साथ में स्प्लिट लगा हुआ अगर आपको दिखाई दे रहा है, स्प्लिट गियर में है हाफ में या नहीं है। वैसे तो पीटर बेल्ट अगर आपके 18वें में है तो आपको यहाँ पे मालूम पड़ जाएगा, लेकिन जब हम बीच में होते हैं ना छोटे गियरों में, तब हमको ये नंबर देख के याद नहीं रहता कि कौन से गियर में होगा। छोटा करने के टाइम पे बड़ा दिमाग में रखना पड़ता है कि भाई गियर कौन सा है, तो हमको निकालना कौन सा है और कैसे निकालना है। अगर हाफ गियर नहीं डाला तो छोटा करना है, तो हाफ गियर डाल के एक छोटा करेंगे तो आराम से जाता है। बड़े फंडे है भाई गियर के, मैं खुद सीख रहा हूँ। ये क्या लिखा हुआ है, अक्टूबर 1 से अप्रैल 30 तक अपनी चेने लेके आओ भाई साथ में। 11:30 हो गए भाई, 11:30 मिनी पैक के, और बाहर अभी भी
पूरा दिन है। क्यों? पहले अल्बर्टा में घुसते हैं, सस्केचेवन में एक घंटा पीछे होते हैं, फिर जैसे अल्बर्टा क्रॉस करते हैं बीसी के थोड़ा अंदर आते हैं, बस अभी टाइम चेंज होने ही वाला है, थोड़ी देर में टाइम चेंज हो जाएगा, 2 घंटे हम पीछे हो गए विनिपेग से, टोरंटो से 3 घंटे। ये जो बैरियर है ना, बैरियर जब सर्दियों में मौसम खराब होता है तो ये वाला बैरियर नीचे कर दे। ये वो हाईवे जो एडमिंटन से सरी जाता है। ये पहली डाउन आई थी थोड़ी सी, मैंने इंजन ब्रेक लगाया, इंजन ब्रेक सही काम कर रहा है भाई ट्रक का। मैकब्राइड प्रिंस जॉर्ज और ये हो गया वेल माउंट को, हमको रखना है राइट साइड में, हाँ इधर। और ये जो रोड गया ये सीधा गया सरी को। अंधेरा हो गया यार, कैमरे को दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। वो ब्रिज से सारी ट्रैफिक चली जाएगी सरी को। और यहाँ से शुरू होता है भाई हाईवे ऑफ टीयर्स। हाईवे ऑफ टीयर्स की स्टोरी छोटे छोटे लफ्जों में आपको समझाऊंगा थोड़ा आगे जाके। अभी ये हाईवे के ऊपर ऐसे खड़े रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि एक तो ऊपर से रात का टाइम हो गया और एक ऊपर से जानवर का कुछ मालूम नहीं, कहाँ पे जानवर कब कैसे हमारी वेट कर रहा है। बस सुसु करना है, निकलना है। इस हाईवे के ऊपर आपको दूर दूर तक कोई बंदा दिखाई नहीं देगा भाई, ना कोई गाड़ी ना कोई बंदा। आप अपनी हेडलाइट चला के आराम से जा सकते हो, बस निगाह गाड़ के रखनी पड़ेगी आगे, क्योंकि मेरे लिए भी ये पहला एक्सपीरियंस है। और हाईवे ऑफ टीयर्स इसको नाम दिया गया हुआ, हाईवे 16 है, लेकिन यहाँ से ये बड़ा सुनसान हो जाता है। जैसे ही सारी सरी वाली ट्रैफिक वहां से मूव हो गई, बस कोशिश करनी है कि आपको अपने ट्रक में ही रहना है। अगर आपको सुसु भी आती है या कुछ और भी प्रॉब्लम है तो भी कोशिश करो रात को ट्रक में ही ज्यादा रहो। बाहर निकलो तो हर 2-4 सेकंड में अपने आसपास देखो भाई कि माहौल क्या है। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानवर की है। ये भाई मैकब्राइड टाउन है, हाईवे 16 प्रिंस जॉर्ज वाला पकड़ते ना तो वहां से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर ये मैकब्राइड टाउन है। उस तरफ से आया, ये इशारा है सिग्नल, सिग्नल से राइट किया और राइट करके सीधा आ जाओ। ये कच्ची जगह है, कच्ची जगह में से गाड़ियां अंदर एंटर होती हैं। और ये देखो पहले यहां पे ट्रक लगी हुई थी, इसलिए मेरे को आइडिया हो गया कि यहां पे हम रुक सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी गलती की है। अगर आपके पास में सुपर भी है तो आप कोशिश करो उस तरफ लगाने की। ये दोनों सुपर भी हैं, ये भी और अपनी जो सुपर भी है ये मैंने थोड़ी सी लेफ्ट साइड में लगा ली है, लेकिन बस ये कि सुबह मेरे को थोड़ी सी बैक करनी पड़ेगी क्योंकि निकलना पता कैसे ही है। अंदर घुसे हम इस तरफ से हैं और बाहर निकलना है यहाँ से यू मार के सर्विस रोड के ऊपर जाके ऐसे ऐसे, फिर वही सिग्नल के ऊपर, वो सामने सिग्नल है ना, सिग्नल के ऊपर। थोड़ी सी मेरी जान में जान आई है कि हाँ भाई पहुँच गए। ये भाई भी अभी अभी पहुँचे, सोए नहीं, अभी जाग रहे हैं। चेस भाई, KFC वाला चिकन मैंने रखा हुआ था, वही थोड़ा सा खा के फिर सोने वाला हूँ। मेरा आज का सफर जो 400-500 किलोमीटर हमने निकाल लिया, कल का कल देखी जाएगी। हाईवे टीयर्स की स्टोरी आपको एक आध मिनट में सुनाता हूँ कि वहां से शुरू हुआ और ये हाईवे 16 यहाँ पे जाके खत्म हो जाएगा ना। अगर आप डाल के देखोगे अपने मोबाइल में, डाल के देखो गूगल मैप पर, प्रिंस रप्पट PR यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं रुका हूँ, मैकब्राइड ये ऊपर आ रहा है ना, मैकब्राइड, मैकब्राइड से डाल लो प्रिंस रप्पट, तो प्रिंस जॉर्ज जाता है 200 किलोमीटर आगे। तो ये सारा जो हाईवे 16 हाईवे, इसको येलो हेड भी बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हाईवे ऑफ टीयर्स। शुरू ये यहाँ से हो जाता है, एक आध कांड यहाँ पे हुआ, लेकिन जो मैक्सिमम कांड हुए जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको इंडिजीनियस बोलते हैं, तो उनकी लेडीज लोग 14 साल की 20 साल की 22 साल की 1970 के दहाके में यहाँ पे सबसे ज्यादा गुम हुई है, प्रिंस जॉर्ज से लेके प्रिंस रप्पट तक। हाईवे यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन एक आध कांड यहाँ पे हुआ है, बाकी सारे कांड जो है प्रिंस जॉर्ज से लेके प्रिंस रप्पट के बीच में हुए, इसलिए उसको हाईवे ऑफ टीयर्स बोला जाता है। जितने भी मर्डर हुए सारी लड़कियां थी, 40 साल की, 35 की, 15 की, 20 की, 14 साल की भी एक थी, और वो मोस्टली घूमने के लिए निकले हुए थे। जैसे हिचहाइकिंग बोलते ना कि आप घूमने के लिए जा रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, वो उस काम के लिए निकली हुई थी और वहां से गायब हुई है मोस्टली लड़कियां, सारी लड़कियां। बाद में किसी की बॉडी मिली है, किसी की बॉडी मिली नहीं है, और सारी जो आज तक के वो केस हैं वो सारे अनसॉल्वड केस हैं, अभी तक उनके केस का कोई मसला हल नहीं हुआ। 2005 में भी यहाँ पे लड़की गुम हुई थी प्रिंस जॉर्ज से प्रिंस रप्पट की तरफ। ड्राइवर लोग भाई चलते रहते हैं, काम चलता रहता है, जब किसी टाउन में पहुंच जाते हैं तो तब खतरा कम होता है, लेकिन रोड के ऊपर खतरा ऐसे होता है कि अगर आप खुलेआम घूम रहे हो रातों को, शामों को, आपके साथ में कोई नहीं है तो
तो मालूम नहीं अभी क्या यहाँ पे सिस्टम चलता है, किसी का दिमाग में क्या चल रहा है। आपने हॉलीवुड की कितनी मूवीज देखी हैं, अकेले से होटल होते हैं, वहां पे जाके बंदे रुक जाते हैं और फिर बाद में कांड होते हैं या जो भी होता है। ऊपर वाले से दुआ है कि ऐसा कुछ हो नहीं, लेकिन इस बात की जरूर खुशी है कि आपका भाई खुद प्रैक्टिकली इन रोडों के ऊपर घूम रहा है, शुक्र है ऊपर वाले का। और चढ़ती कला में सुबह अपना सफर जो है वो 550 किलोमीटर का है, और बाकी रास्ते में जैसी भी बातें होंगी कल आपको वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। आज की वीडियो इतनी ही, लाइक करके जाया करो, ड्रॉन शॉट अच्छे लगे तो यार लाइक कर दो। जो बंदे चैनल के ऊपर आए हो नए, उनको करना पड़ेगा अपना चैनल सब्सक्राइब अगर आगे की वीडियोस देखनी है। मिलते रहेंगे कल एक और नई वीडियो में, टिल देन अपना और अपने पूरा का ख्याल रखो, रब राखा। ऐसा नहीं है कि मैं काम पे आके अरमान से बात नहीं करता, मेरी अरमान से 2-3 बार वीडियो कॉल पे बात हो गई, बस कैमरा ऑन करने वाली बात बाकी रह जाती है। मैं आज सोच रहा था, मैं बोला भाइयों ने बोलना कि 3रा दिन हो गया और आपने अरमान से बात ही नहीं की। भाई अरमान से बातें होती रहती हैं, कभी कभी वो ऑडियो कॉल के ऊपर लगा होता है। मैं मनदीप को कॉल करता हूँ, वाइफ को, भाई साहब को फोन पकड़ाती है और वह बोलता है जैसे आपको मालूम है बातें करता होता है। लैपटॉप में सारा डाटा ट्रांसफर कर रहा हूँ, इसके बाद में मेरी ड्यूटी होती है कि अगर मेरी शरीर और मेरी नींद ने मेरा साथ दिया तो मैं थोड़ी एडिटिंग भी करूंगा, क्योंकि वीडियो नहीं डाल सका, 2-3 दिन होते हैं। मेरी जिंदगी जो ऐसी है भाई, वीडियोस बनाते जरूर है, वीडियो एडिटिंग करने के लिए भाई मेरे को 4-5 घंटे का टाइम चाहिए कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 6-7 घंटे लग जाते हैं, और वही 6-7 घंटे मेरे को सोने के लिए मिलते हैं। जब हम ऐसे रोड के ऊपर होते हैं तो मेरे को सुबह निकल के आगे भी जाना है। अगर मैंने आज भी, मेरे को अंधेरा हो गया, लेकिन कल मैं थोड़ा अर्ली निकलूंगा, ताकि जो 550 किलोमीटर है ना नए बंदे के लिए 7-7.5 घंटे का मेरे लिए सफर है, क्योंकि मैंने बीच में रुकना भी है। सुबह यहाँ का नजारा भी किया है, मेरे को भी सुबह मालूम पड़ेगा। रात को पहुंचे थे, बस ट्रक लगा दिया, सो चले। छोटे छोटे से टाउन है ये, क्योंकि आगे कोई बड़ा शहर नहीं पड़ता, ये हाईवे बंद हो जाते हैं, आगे जाए खत्म ही हो जाता है हाईवे, समुद्री समुद्र है आगे। चलो बाकी कल मिलते हैं, बाय बाय। एक बात बीच में रह गई यार, मालूम नहीं जिंदगी कहाँ खत्म होनी है, कैसे खत्म होनी है, लेकिन एक बात की खुशी जरूर है कि जिस काम को, जैसे जो काम मैं करता हूँ, जो मैं मन में सोच रहा हूँ, ऊपर वाला साथ दे रहा है और आप लोग साथ दे रहे हो, तो बस उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। पीटरबिल्ट ट्रक चलने का शौक था, ऊपर वाले ने वो भी शौक पूरा किया। अभी बी ट्रेन का शौक था, बी ट्रेन लेके पहाड़ों में जाने का शौक था, सारे शौक ऊपर वाला पूरे कर रहा है। अभी भी उसका शुक्रिया अदा ना करें, मैं नहीं बोलता, लेकिन जिसको भी आप मानते हो भाई, उससे बातें बातें किया करो, उसको बोला करो कि भाई ऊपर वाले मेरे को ये चीज चाहिए। किसी ना किसी दिन वो हर एक की सुनता है। We could be chillin' on the sofa.